उसके अंदर चार लोग शामिल हैं और ये लोग जो दो आए थे वो मुझे मारने के लिए आए थे। जो बाहर के रोड पे बैठे उनसे तो म्यूनसिपालिटी को तकलीफ नहीं है, क्यों नहीं है तकलीफ? टॉरेंट वाले को और टॉरेंट के मालिक को बोलता हूँ मैं, भाई तुमने इधर आने के लिए जिस किसी को भी 150 करोड़ रुपया दिया है उनसे बोलो भाई 100 करोड़ हमको रिटर्न दो और मुमरा वाले के पीडी माफ़ कर दो। मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज एफ के। अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग आए इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं मैं। देखिए मैटर ये 1.5 महीना पहले का है। ये मुमरा वाई जंक्शन ये जो ब्रिज है यहाँ से क्राइम ब्रांच थाना ने 25 नवंबर के दिन जुमा के दिन दो लोगों को पकड़ा था रिवाल्वर के साथ में, और ये भी बताया गया कि उनके पास ड्रग्स वगैरह था। हालांकि बाद उनके पास ड्रग्स वगैरह नहीं था, खाली उनके पास रिवाल्वर थे। ये न्यूज़ बनी थी, पेपर के अंदर आई थी। अभी ये आप बोलेंगे कि ये बात 1.5 महीने पुरानी है, आपने अभी इसका क्या कर रहे? तो 1.5 महीने से हम लोग इसके पीछे वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो जो दो बंदे को पकड़े थे, ये हमारा जो यहाँ पे गेट है वाई जंक्शन जो हम लोग का ऑफिस का गेट, वहाँ से पकड़े थे। हमने इसकी तहकीकात की तो हमको पता चला कि उनको सुपारी दी गई थी हमारी, खास करके मेरी। ये जब से वाई जंक्शन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे दशहरे के दिन जो हमारा पहला बोर्ड लगाए थे, तो उसके बाद में शाहरुख सैयद उसने ला के रात में यहाँ पे बोर्ड लगाया। उसके बाद में हम लोग के झंडे जलाए गए और काफ़ी वारदातें उसके एंट्री हुई, कंप्लीट हुई। तो इस ये जो जगह थी ये MMRDC की जगह है, और हम लोग ने माननीय सांसद श्रीकांत शिंदे से पत्र व्यवहार किए, मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किए, उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे कार्यालय डाले और जो भी है हमारा पेपर वर्क चालू है। मगर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि ये जगह उनको चाहिए थी और उनका कुछ प्लान था यहाँ पे। तो उसके अंदर चार लोग शामिल हैं और ये लोग जो दो आए थे वो मुझे मारने के लिए आए थे। मगर इत्तेफाक से उस दिन जुमा था, जुमा का दिन होने के वजह से मैं जुमा के दिन आता नहीं हूँ। ये मेरे बाकी बंदे यहाँ पे कैरम खेलते बैठे थे, ये बात है 12 से 1 बजे की बात है, यहाँ कैरम खेल रहे थे और उसी टाइम पे पुलिस ने उनको पकड़ा और बाकी उनको बहुत मारा। यहाँ पे 4-5 बजे तक रखे थे पुलिस सामने के जगह पे, उनको मार के पूछताछ हो रही थी। तो मैं भी आया 2-2.5 बजे, फिर मेरे जो सहयोगी से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, सामने मारामारी क्यों हो रही, क्योंकि जो पुलिस थे वो सिविल ड्रेस में थी। तो बोले अनवर भाई ऐसा ऐसा इन लोग को घोड़े के साथ में इन लोग मिले, अपने गेट के पास से पकड़े। तो मैंने काफ़ी हमारे भी डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं उनसे तहकीकात की, तो सब ने मेरे को अलग अलग बताया। तो जब जाके हमको पता चला कि ये मेरे ऊपर हमला करने आए थे और इनके पास सिर्फ और सिर्फ रिवाल्वर थी और चॉपर थी, इनके पास कोई ड्रग्स का मटेरियल नहीं था। ये पुलिस ने इसके अंदर कुछ अधिकारी हैं, इसके अंदर TMC का एक अधिकारी है, एक बिल्डर है, यहाँ का एक लोकल नेता है मुमरा का बड़ा, और एक शाहरुख सैयद है। इन लोगों ने प्लान करके मेरे को मारने के लिए ये प्लान बनाया था। जैसे आपको मालूम है कि आज से 3 साल पहले राबोड़ी के अंदर जमील शेख जो मनसे का कार्यकर्ता उसको मारा गया था, उसी तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है ये मेरे पे हमला करने आए थे। मगर देखो मारने वाले से अल्लाह बहुत बड़ा है बचाने वाला, तो मैं इस हादसे से बच गया। और इसकी तहकीकात मैंने माननीय मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री DGP DCP कमिश्नर साहब को सबको लेटर दिया हूँ कि इसकी तहकीकात फिर से होनी चाहिए और CBI से होनी चाहिए। जो ड्रग्स बेचता है उनके पास हथियार नहीं होते, और जिनके पास हथियार होता है उनके पास ड्रग्स नहीं होता है, ये दोनों अलग पार्ट है। मगर कहीं ना कहीं गुमराह किया गया ना, और सबसे बड़ी बात ये मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, उसके बाद में थाना जोन से क्राइम वाले आके पकड़ते। पाई जंक्शन ब्रिज के नीचे की जो जगह है हम लोग ने उनके मुंह का निवाला छीन लिया, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है। जैसे कि जमील शेख के साथ में हुआ था वहाँ पे भी उनको तकलीफ थी। तो इन लोग का काम एक ही है, एक आदमी को ब्लैकमेल करके ले लो हाथ में, पैसे से खरीद लो, अगर नहीं ये दोनों काम से होता है तो तीसरा काम है इनका, उनको उड़ा दो। हम लोग ने यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ बोर्ड लगाया,
और बाकायदा हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन भाई भी आए थे, पेपर में भी न्यूज़ आई थी। उसके बाद में शाहरुख सैयद ने 10-15 दिन के बाद रात में आके बोर्ड लगाया, और उसके बाद उसका एक बार मेरे को फ़ोन भी आया था, भाई बोले हमारा ये स्टैंड है, तुम वहाँ गाड़ी मत लगाओ, ये मत करो। तो मैं बोला था भाई हमने बाकायदा उद्घाटन किया है, और शाहरुख सैयद ने रात में ला के बोर्ड लगाया था। उसके बाद में हम लोग के झंडे लगे थे, 13 तारीख को झंडे हमने लगाए थे, और मेरे ख्याल से 15 तारीख किया या कुछ ऐसे ही 4-5 दिन के बाद झंडे जलाए गए। पुलिस को हमने एंट्री की, उसकी कॉपी है। और उसके बाद में अंबर होटल के पास में हमारे ये भाई है, उनके ऊपर हमला किया गया बिल्डर द्वारा, 15-20 लड़के थे, उसका FIR हुआ, मगर कोई कार्रवाई मुंब्रा पुलिस नहीं कर रही। मुंब्रा पुलिस खाली देखने का काम कर रही, भाई बाकायदा देखो यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, लेटर है हमारे पास, ये एंट्री का लेटर है कि भाई हमारे झंडे जलाए गए पार्टी के, और अंबर होटल के पास जहाँ हम कार्यालय छोटा डाले थे टेम्पो स्टैंड का, तो वहाँ का जो स्थानीय बिल्डर है वो बोलता है यहाँ पे मुंब्रा में भगवा कलर नहीं चाहिए। मेरे को गुड्डू खान का फ़ोन आया था, और मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है, और मैंने ज़िंदगी में उनसे कभी बात नहीं किया, और मेरा उनसे कभी ताल्लुक ही नहीं है। फ़ोन किया, मैं पूछा क्या है, बात करने बाद में डायरेक्ट गाली गलौज पे आए, और मेरे को ऐसे सुनने में आया बहुत बड़ा डॉन है वो बांद्रा का। देखो मैं अचानक के जज्बात में जाके कंप्लेंट कर दूँ क्या करूँ, हम लोग टेक्निकल पॉइंट देखेंगे और उसके बाद में हमारे जो वरिष्ठ बोलेंगे हमको उसके बाद में हम लोग कार्रवाई। देने पे क्या टेक्निकल पॉइंट आ गया था, क्या आपने मतलब उनको तकलीफ दे दी जो आपसे गाली की बात आ गई? वो रिकॉर्डिंग आपके पास है, गाली की शुरुआत मैंने नहीं की। देखो कहीं ना कहीं ऐसा है कि 15 साल के पहले शिवसेना के 3-4 नगर सेवक थे, उनका काम भी आपको मैं गिनाऊंगा वक्त आने पर, मगर ये 15 साल के अंदर जो नगर सेवक थे बहुमत थे जिनकी, उनकी सत्ता होने के बाद अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी शिवसेना का जनाधार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को तकलीफ हो रही है। हमारी माथाड़ी कामगार संगठना ये रजिस्टर है और ऑल महाराष्ट्र है, तो हमको कोई अलग से यूनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी पॉइंट का जो भी पॉइंट होएगा वहाँ का हम लोग स्थानीय अध्यक्ष बनाएंगे, जो वो एरिया पुरता, बाकी जो पूरा महाराष्ट्र का अध्यक्ष मैं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाथ गाड़ी वाले हैं ये ब्याज से पैसे लेते हैं, और ये हाथ गाड़ी का माल और हाथ गाड़ी इनकी भाड़े की होती है, और हाथ गाड़ी जब टूटती है तो वो पैसा उनको देना पड़ता है भर के, और ये ब्याज से पैसा लेते हैं, तो नुकसान इन लोग का होता है। म्यूनसिपाल्टी से ऑलरेडी बात हो चुकी है कि अगर तुमको तकलीफ है रोड के ऊपर बैठे, वो रोड पे भी नहीं है, वो अंदर के रोड पे, जो बाहर के रोड पे बैठे उनसे तो म्यूनसिपाल्टी को तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है तकलीफ? वो तो आधा रोड ब्लॉक किए ले, ये तो अंदर है। मैं टॉरेंट वाले को बोल रहा हूँ एक, और एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मुंब्रा में 80,000 के करीब इनके ग्राहक है, और करीब करीब 30,000 के ऊपर PDA। तो मैं ये बोलता हूँ 50 करोड़, 80 करोड़ या 100 करोड़, इतना मुंब्रा के ऊपर PDA है, तो टॉरेंट वाले को और टॉरेंट के मालिक को बोलता हूँ मैं, भाई तुमने इधर आने के लिए जिस किसी को भी 150 करोड़ रुपया दिया है उनसे बोलो भाई 100 करोड़ हमको रिटर्न दो, और मुंब्रा वाले के PDA माफ़ कर दो, तुम्हारा मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। जो मीटर रीडिंग फास्ट लगा रहे उनको वार्निंग दिया जा रहा है हमारे तरफ से, मेरे तरफ से नहीं पार्टी के तरफ से, कि आप लोग ये फालतूगिरी का काम बंद करो। और एक हमको और एक पता चला टॉरेंट का, कि मीटर के आगे इन लोग जो केबल लगा रहे वो केबल में टेक्निकल फॉल्ट ये है कि वो पावर ज़्यादा खींचती है, इसके वजह से मीटर का रीडिंग बढ़ रहा है। हम लोग टॉरेंट के लिए 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी आगे बैनर बना रहे, पूरे मुंब्रा में बैनर लगेंगे। जिस किसी को टॉरेंट के बारे में तकलीफ है वो आके हमको यहाँ पे समय, हम किसी की साइन लेने नहीं जाएंगे, हमको वाई जंक्शन के नीचे लाके दे कि हमारा ये ग्राहक नंबर है, और ये हमारी अर्जी, हमको टॉरेंट से तकलीफ है, टॉरेंट नहीं चाहिए। करीब करीब 40,000 अगर अर्ज हमको मिल गए तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाएंगे, माननीय श्रीकांत शिंदे सांसद के पास जाएंगे कि हमारी मुंब्रा की पब्लिक की मांग है कि हमको टॉरेंट नहीं चाहिए, हमको MSE भी चाहिए। तो बाकायदा मुख्यमंत्री को निवेदन देंगे कि साहब हमको टॉरेंट से छुटकारा दो, क्योंकि टॉरेंट ने भिवंडी को बर्बाद कर दिया। अभी कल ही एक क्लिप देखा मैं,
वो क्लिप में कुछ टोरेंट वाला बोल रहे हैं कि कुछ भी करो पैसा भरो, तो कहीं ना कहीं मुमरा के लोगों को ब्याज के पैसा लेने में फंसाया जा रहा है चक्रव्यूह में, और कहीं ना कहीं गलत लोगों को राह पे चढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।